फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जैसा मनीष जी ने कहा कि कोशिश करके दिल्ली में ट्रैफिक की बहुत समस्या मैं समझता हूँ, लेकिन जब निकले मीटिंग के लिए तो ये सोच के निकले कि ट्रैफिक जाम मिलेगा तो जल्दी पहुँच जाए तो कोई रजनी है, लेकिन अगर ट्रैफिक की वजह से लेट पहुँचे तो सारी मीटिंग भी खराब हो जाती है। मैं 10 बजे से वेट कर रहा था कि चलो। दूसरा, आप सब लोग जानते हो ये पार्टी आंदोलन से निकली है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था। उस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने बहुत किस्म किस्म की कुर्बानियां करी हैं, लोग जेल भी गए हैं, लोगों ने डंडे भी, आप में से भी कई सारे ऐसे चेहरे हैं, कुछ लोग नए हैं कुछ पुराने हैं, जिन्होंने कई सारी कुर्बानियां की और अपने पूरे करियर ख़त्म किए, पार्टी के साथ लगे, आंदोलन के साथ लगे। आज आप लोग जो यहाँ बैठे हैं ये उन सारी कुर्बानियों का नतीजा है, उसी का फल आप लोगों को मिला है। नहीं तो एक नई पार्टी पहली बार चुनाव लड़े तो मुझे नहीं लगता कि जमानत भी बचती है किसी की, नई पार्टी अगर पहली बार चुनाव लड़े। लेकिन पार्टी का एक वो बन गया है, मतलब पार्टी को लोग जानते हैं, सब लोग इज्जत करते हैं, इसी वजह से आप सब लोगों को वोट मिले। तो वो उन सारे वॉलंटियर्स की मेहनत और कुर्बानी का नतीजा है, उसको व्यर्थ मत होने देना, क्योंकि अब आप पद पे आ गए हो, लालच बहुत किस्म के होंगे, उस लालच में नहीं बहना अपने को किसी को भी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे यार आम आदमी पार्टी वाले भी ऐसे निकले। तो ठेठ ईमानदारी के साथ काम करना है और जहाँ जा रहे हो वहाँ वो भ्रष्टाचार का बिल्कुल अड्डा है, गढ़ है। खुद तो ईमानदार रहना है, अपने आसपास भी नज़र रखनी है और वहाँ हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है, उसमें डरना नहीं है। वो जेल में भी डालेंगे क्योंकि पुलिस इनके पास है, एंटी करप्शन के पास है, हो सकता है आप आवाज़ उठाओगे आप ही को जेल में डाल दें, वो सब करेंगे, उससे डरना नहीं है। तो एक तो ईमानदारी और दूसरा साहस। दूसरी पार्टियों में जब आप चुनाव लड़ते हो तो टिकट खरीद के लेनी पड़ती है, आप में से तो किसी ने टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो जब आप टिकट खरीदते हो तो जीतने के बाद फिर वो पैसा भी निकालते हो, पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। जब आप करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करते हो तो फिर वो पैसा भी निकालते हो, तो आपके ऊपर वो लायबिलिटी नहीं है। आप टिकट खरीद के नहीं आए, ऐसा कोई आपकी लायबिलिटी नहीं है। तो आप ईमानदार रहना चाहो तो रह सकते हो, तो ईमानदार रहना जरूरी है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि वॉलंटियर्स ही रीढ़ की हड्डी हैं, वॉलंटियर्स के सारे काम होने चाहिए, जायज काम नहीं। मेरा कल को कोई आपको आपके नाजायज चीज बोले, जो लोग आप ये समझने की कोशिश करो, आपके लिए भी वॉलंटियर्स सारे लगे होंगे, सब लोग वॉलंटियर्स लगे आपके लिए। तो जो वॉलंटियर किसी गली में जाके आपके लिए वोट मांगता है, कल को उस गली में कोई समस्या हो गई, वो वॉलंटियर के पास जाते हैं मेरा काम करा दे, वो आपके पास आता है वॉलंटियर और आप उसका काम नहीं कराते, तो वो उस गली में शक्ल दिखाने लायक नहीं बचता वॉलंटियर, कि वोट मांग के आया अपना, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए वोट दिया था तेरे कहने से। तो काम सबका करना है, लेकिन वॉलंटियर का जो भी काम वो किसी पब्लिक का लेके आए वो काम सबसे पहले करना है, वॉलंटियर के लाया गया काम सबसे पहले अपने को करना है। सारे वॉलंटियर से बना के चलनी है। अगर आप अपने मन को छोटा कर लोगे तो कई ऐसे भी वॉलंटियर्स हैं जो आपके मुंह पर गाली देंगे, उसको भी मनाना है। अब आप ये मानो कि आप एक तरह से परिवार के पिता हो उस वार्ड के, तो घर के अंदर बच्चे होते हैं ना शरारती, तो ऐसा नहीं होता कि 2 मिनट में उसको कह दें अच्छा जा पार्टी के बाहर जाता हूँ, ये नहीं करना अपने को। परिवार बड़ा करना है, परिवार छोटा नहीं करना। तो अगर किसी वॉलंटियर से मनमुटाव भी हो जाए तो ये नहीं करना कि उसको अलग कर दिया, उसको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी सबको देके रखनी है, किसी को भी निकालना नहीं है किसी भी हालत में। और कोशिश तो ये करनी है जो उठ के चले गए, टिकटें नहीं मिली थी आपके लिए काम नहीं किया, उनको भी जोड़ लोगे तो आप ही बड़े बनोगे, और उनको तोड़ लोगे तो वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, दूसरी पार्टियां बड़ी बनेंगी। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की, वॉलंटियर्स को जोड़ने की कोशिश करनी है। इसी तरह से ऊपर अपने MLA से बना के रखनी है। MLA से बना के रखोगे तो आपके पास जब आदमी आएगा कोई समस्या लेके, तो वो ये नहीं देखता आप MCD वाले हो कि आप दिल्ली को, तो सारी समस्या लेके आएगा। तो MLA से बना के रखोगे, MLA आपसे बना के रखेगा तो सारे काम आएंगे,
और ली बना के रखोगे तो फिर आप एक तरह से अलग अलग पार्टी हो गए, वो अलग काम कर रहा है, आप अलग काम कर रहे हो, एक दूसरे का काम ही नहीं कराते। तो कोशिश ये करनी है सबसे बना के रखनी है, नीचे भी और ऊपर भी, वो बहुत जरूरी है। नगर निगम में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, जैसे उसमें तो होता है ना कि भाई 66% से कम अगर लोग टूटते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो ये बीजेपी वाले पूरे कोशिश करेंगे आपको तोड़ने की। एक तो ये कि अपने फ़ोन हमेशा रिकॉर्डिंग पे ही रखना, किसी का फ़ोन आए तो रिकॉर्ड कर लेना, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे भाई इन्होंने ऐसे बदमाशी करने की। और दूसरा, अगर मैं तो कह ही सकता हूँ, मैंने एक ही चीज़ देखी है, हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हमारी कोई औकात नहीं थी। 4 साल पहले हम भी ऐसे गलियों में घूमा करते थे, ये कोई ना कोई चमत्कार ही हुआ कि भगवान ने हमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया, नहीं तो हमारी हैसियत क्या है, हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने, किसी ने धोखा दिया इस आंदोलन को, तो ये सोचना ना आप भगवान को धोखा दे रहे हो। यहाँ पे कितने लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, सारे मानते हैं, सारे पूजा पाठ करते हैं, सारे मानते हैं, चलो बढ़िया, क्योंकि आजकल के जमाने में भगवान को मानने वाले कम बच गए। कल तो सबने नजदीक से ले गए। अच्छा तो अगर आप, ये आंदोलन की बस खासियत एक ही है, ये बहुत ही पवित्र आंदोलन है, इसके साथ जुड़े हुए लोग बहुत ही पवित्र हैं। एक बार हो सकता है आपको लगे कोई लालच दे दे, तेरे को 10 करोड़ रुपए दे दूंगा पार्टी छोड़ के आ जाए, इनके पास तो बहुत पैसा है तो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज सोच लेना कि अगर आप इस आंदोलन को और इस पार्टी को और लोगों की इस उम्मीद को धोखा दे के गए, तो जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे। नहीं, गलत नहीं कहते, जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे। वो जितने भी पैसे आपको दे दें, वो पैसे, वो क्या कहते हैं, फवेंगे नहीं आपको, आपके परिवार को, वो उल्टे ही पड़ेंगे आपको, उससे दुगने तिगने पैसे भगवान आपसे निचोड़ लेगा फिर वापस, और वो बड़ी कठिनाई में निचोड़ेगा, पीड़ा देके निचोड़ेगा भगवान को आपसे वापस। तो धोखा मत दे देना इस पार्टी को कि छोड़ के चले गए, और उससे ये मत कर देना, ये देश की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। तीसरा, जो सफाई कर्मचारी हैं खासतौर, वो बहुत गरीब हैं और बहुत शोषित हैं, उनका खास तौर से ख्याल रखना। उनको बहन भाई बना के चलोगे, वो सारा काम करेंगे आपके लिए, सब खाना खाएंगे, उनके साथ बैठ के रोटी खाओ, उनको अपने घर बुलाओ, उनके साथ परिवार का रिश्ता कर लो सफाई कर्मचारी के लिए। उनका सारे चारों तरफ से शोषण हो रहा है, उनके बॉस भी शोषण करते हैं, जनता के अंदर भी उनके बारे में गलत फहमियाँ रहती हैं। उनके साथ बना के चलना और उनको अपना भाई, अपने फैमिली का मेंबर बना के चलोगे, आप देखोगे कि सबसे बड़े आपके सिपहसालार वही आपको नजर आएंगे। और जैसा मनीष जी ने कहा कि ट्रेनिंग दिलवाएंगे आपको ताकि आप इफेक्टिवली काम कर सको, तो जो अपने MLA पहले काउंसलर हुआ करते थे, उन लोगों से, आप में से कौन कौन काउंसलर था पहले बनने के? आप दोनों काउंसलर रह चुके, और कोई? रहमान साहब आप भी तो थे? वाइफ थी। अच्छा, आइडिया है आपको? सो 4-5 लोगों से ट्रेनिंग करवा देते हैं सब लोग, इसको बुला लेंगे, MLA इसको बुला लेंगे काउंसलर हैं। अब हम सारे खड़े होके एक मिनट, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, जैसे जब आप बनोगे तो आपका शपथ ग्रहण समारोह होगा, अभी हम लोग सारे शपथ लेंगे, लेकिन वो शपथ सारे दिल से लेंगे, ये कोई पार्टी की भी फॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन आज जब आप लोग आ रहे थे तो मेरे दिल में आया कि सब लोग अपने भगवान को हाजिर नाजिर मान के सब लोग आज शपथ लेंगे, तो ये पूरे दिल से लेना, ठीक है? सारे घर उठा, तो मैं एक एक शब्द बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे दबाएंगे। मैं अपने भगवान को हाजिर नाजिर मान के शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी अपनी पवित्र पार्टी को, और इस आंदोलन को धोखा नहीं दूंगा।